Hello everyone. Today's topic is duplex. What is duplex? Duplex is a method जो हम सबको हमेशा ही काम आने वाली चीज है. कोई भी टाइम पे ऐसा हो जाए कि कोई सूत्र याद नहीं आ रहा है, कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है कि ये डिजिट में कौन सा फॉर्मूला हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो टाइम पे ड्यूप्लेक्स मेथड हमें हमेशा काम आता है. ये सीरीज में हमने ये वीडियो लास्ट में इसीलिए रखा है कि पहले हम सारे सीक्वेंस समझ लें, कौन से फॉर्मूला कहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बाद ये समझेंगे तो ये अच्छा रहेगा. इसमें नो डाउट ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी लगेगा अपार्ट फ्रॉम वेरियस ट्रिक्स, बट यहाँ पे सेग्रीगेशन इतना अच्छे से होता है कि हमें कोई चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती कि हमें वेरीफाई करना पड़े. इतना सिंपल ये फॉर्मूला है, सिर्फ हमें याद रखना है ये फॉर्मूला को. चलिए मैं सबसे पहले फॉर्मूला समझाती हूँ. इफ सपोज वी हैव टू डिजिट, देन इट विल बी ए स्क्वेयर, देन टू ए बी एंड बी स्क्वेयर. ठीक है, अब अगर थ्री डिजिट होता है तो हम क्या करेंगे? जैसे ये लिखा है डी ए, देन डी ए बी, डी बी स्क्वेयर. अगर चार डिजिट, सॉरी ये टू डिजिट के लिए हुआ, अगर थ्री डिजिट है विच इज ए बी एंड सी, इट विल बी डी ए डी ए बी डी ए बी सी डी बी सी डी सी. अब ये तो समझ आ जाता है हमें, ये स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर करना है. ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ए इंटू बी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये जो चीज है इसे हमें याद करना है, ए और सी को हमें मल्टीप्लाई करना है, प्लस मिडल डिजिट को बी स्क्वायर को इसके साथ प्लस करना है. ये चीज समझने के लिए मैंने इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा है. अब ये डिजिट के साथ समझते हैं. सपोज छोटा डिजिट से समझते हैं. ठीक है, 112 का स्क्वायर ढूंढना है. व्हाट इज डी ए? इट इज 1. सो 1 स्क्वायर विच इज 1, डी ए बी विच इज 1 1 1, सो 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, करेक्ट. ए और बी तो क्या मिलेगा? 1 1 1, और ये क्या है? 2 ए बी है, करेक्ट. 2 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर विच विल गिव अस 2, बिकॉज 1 1 1 2 1 2. नाउ डी ए बी सी. अब ए बी सी में क्या करना है? ए 1 1 1 2 2 2 4, करेक्ट, प्लस बी इज 1 1 1 1, सो द आंसर विल बी 5. अब क्या करना है? डी बी सी विच इज 1 एंड 2 अगेन, सो दिस इज 2 2 4, दिस इज 1 1 1 विच विल गिव अस 4. मैं जस्ट आंसर लिख रही हूँ यहाँ पे. एंड द लास्ट इज 2 2 2 4, सो द आंसर दिस इज 1 2 5 4 फॉर द क्वेश्चन ऑफ 1 1 2 स्क्वायर. इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में मैंने इसीलिए लिखा है ताकि कुछ भी मिस्टेक होना हमारी नजर के सामने ही हमें दिख जाए. और ये सेग्रीगेशन करने का फायदा ही यह है, अगर कहीं एक जगह पे भी आप चुके हैं या मिस्टेक हो चुकी है माइनर भी, तुरंत हमारा ध्यान जा सकता है कि ये चीज हम चुके हैं या यहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है. उसके लिए पूरे क्वेश्चन को हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं पे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं. आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया है, फॉर्मूला आपको समझ में आया है. इसके रिलेटेड दिए हुए वर्कशीट्स आप सॉल्व कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज को और कहाँ इम्प्लीमेंट करना है ये भी समझाएंगे, और कुछ बड़े आंकड़ों के साथ भी इसके सॉल्व करेंगे. आई होप इट इज क्लियर टू यू.